इस तरह से जब बार बार ये कहा जा रहा है कि घरों के बाहर नहीं निकलना, आप लोगों की छोटी सी गलती पूरे शहर को ले डूब सकती है। आप चाहते हैं कि आपकी गलती की वजह से आपके घर में कोई बीमारी का शिकार हो जाए, कोई बच्चे की मौत हो जाए। आप लोग अपने मां बाप की जिंदगी के साथ सौदा कर रहे हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करने के लिए आया हूं कि अगले कुछ दिन आप लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने अपने घरों में बैठना है। मैं मां बाप से ये गुजारिश कर रहा हूं कि अपने बच्चों को कंट्रोल करिए। अगर बच्चा बाहर निकल गया तो हो सकता है कि कल दोबारा वो घर ही न पहुंच सके, इसीलिए आप सबकी जिम्मेदारी है इस मुद्दे को और संजीदगी से लेते हुए आप अपने बच्चों को, घर के बुजुर्गों को ये ख्याल रखिए कि कोई भी बिना वजह बाहर नहीं निकले। ये पुलिस का काम नहीं है, ये मोहल्ले के बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि अपने महल्ले के अंदर कौन इस मौत के खेल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो बच्चे चंद दिन के लिए घर में रह नहीं सकते हैं, वो लोग पूरे शहर को किस तरह खतरे में धकेल रहे हैं, क्या उनके वालिद वालदा नहीं है, क्या ये बच्चों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। मैं यहां के तमाम नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अपने अपने घरों में जाइए बिना वजह। अगर कोई बाहर निकला और कल पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो किसी भी तरह की कोई मदद के लिए आगे नहीं आएगा। इसीलिए ये मजबूरन हमें आपके महल्ले में आके ये बार बार गुजारिश करनी पड़ रही है कि बिना वजह घर के बाहर कोई भी ना निकले। Gracias.